प्रिय बिहार वासियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूं, जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। झंडोत्तोलन के बाद कुछ बातों की चर्चा करनी होती है। आज सबको मालूम है कि अपना देश तो पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश तो और ज़्यादा समय से कोरोना से प्रभावित रहे हैं। पिछले वर्ष तो कोरोना काफ़ी नीचे चला गया था अपने देश में, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में। और आप सबको मालूम है कि अब दूसरे लहर में भी काफ़ी कुछ सुविधा हुई है। अब जो कोरोना की जांच, उसका इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था इस वर्ष की गई और उसी का परिणाम हुआ कि बहुत हद तक लोगों को राहत मिली। आप सबको मालूम है कि अब तक अगर हम 14 अगस्त का कल का दिन देखें, कल शाम तक जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से कोरोना की जांच 3,94,00,000 से भी अधिक हुई है। सब लोगों को कोरोना के जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, शहर में, गांव में, हर जगह। तो इसके लिए जो अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुआ है और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 हैं। और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 केस, नए केस मिले, तो इस सबको मिला करके ही 250 लोग अभी प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का, वो 3,00,00,000 के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6,00,00,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे, यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है। और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं उनके टीकाकरण के लिए
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावे आप जानते हैं, प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही, इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाप्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची हो, अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना, उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है, दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के मैंने अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है और बाकी जो बचे हैं इसी महीने में, अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक, और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है, हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को, हाथ साफ करते रहिए, ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है। और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी, जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही है, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। और अभी तो आजकल आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी वर्षापात हुआ है और इस बार तो जून माह में जितना वर्षापात हुआ है ऐसा कभी होता नहीं था, इतना ज्यादा वर्षापात हुआ, उसका भी असर पड़ा और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया है। आम तौर पर जो होता था कि अगस्त में, आप समझिए इसके बाद, और सितंबर में बहुत ज्यादा, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है और जो जून महीने में जितना वर्षापात हुआ लगभग दुगनी वर्षापात हुई। तो इन सब चीजों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई, अब तो गंगा नदी के किनारे भी इसकी स्थिति आ गई है,
कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने किया है भाई, राहत केंद्र हो, सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए अनेक जगहों पर। और एक बात हम लोगों ने इसमें भी कर दिया कि जहां कहीं भी हो रहा है, एक तो वहां पर निश्चित रूप से जो गांव से निकल करके और जिनको अलग रखना होगा, खिलाना होगा, तो सब लोगों का एक टेस्ट भी करते हैं हम लोग, जांच भी करते हैं, कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। और दूसरी बात, सब लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। मैंने स्वयं भी जाकर के देखा है कि जांच भी हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोग अलर्ट हैं। और बाकी सबको जो बाढ़ की स्थिति में उनको परेशानी है, उनको सुविधा देने के लिए तो काम कर ही रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी अलर्टनेस है। और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, कौन सा काम नहीं किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि भोजन कराने का भी, और आप जानते हैं कि 2007 से हम लोग कर रहे हैं, फूड पैकेट भी बंटवाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, कि बाहर नहीं आ सकते, फूड पैकेट भी बंटवाया जाता है। तो ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और जो ग्रेचुटस रिलीफ होता है, अनुग्रह सहाय राशि, हर पीड़ित परिवार को, जो प्रभावित परिवार हैं उनको 6,000 रुपये की अनुदान दी जाती है। और आप सबको मालूम है इसकी शुरुआत जो 2007 में हम लोगों ने किया था, उसके बाद हमने इस चीज़ को लाया है 6,000 रुपये का। तो सब तरह से, हर तरह से हम लोग मदद देने की शुरुआत की है। जब से काम करने का बिहार के लोगों ने मौका दिया हम लोगों को, तब से एक एक चीज पर सतर्कता बरतने के लिए और हर काम हम लोग करते रहे हैं प्रारंभ से ही। और अब तो उसकी स्थिति को और भी कर दिया गया है। और इससे फसल क्षति होती है उसका भी आकलन किया जा रहा है। और फसल क्षति के आकलन होने पर जहाँ जहाँ प्रभावित हैं उनको कृषि इनपुट अनुदान भी हम लोग देते हैं। ये सब भी काम कर रहे हैं। अब तो आप जानते हैं कि अगस्त और सितंबर में आम तौर पर पहले आता था, लेकिन आज तो स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त है। अब तक इतना सब कुछ हो गया है जो बताया गया है, जब तरह का सब जगह का हमने फिगर मांगा था, तो उसके हिसाब से लगा है कि कम से कम 34 लाख आबादी प्रभावित। अब आप समझ लीजिए कि इसके बाद का भी जो खतरा हो सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर सजगता है, सब लोगों को सतर्क रखा जा रहा है। तो हर प्रकार से बराबर इस पर नजर रखी जा रही। अब तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम शुरू से ही कहते हैं कि अपने राज्य में, कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। जो भी हम लोगों के राज्य सरकार के पास पैसा है, अगर इस तरह से आपदा से प्रभावित होते हैं, उनके लिए हम लोग सहायता करते हैं। और शुरू से ही हम लोगों का ये संकल्प है कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और इसके अलावे जो बाकी चीज़ें हैं, उस सब में भी विधि व्यवस्था की स्थिति, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है। और आप तो जानते हैं कि हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि अब थानों में अनुसंधान का काम अलग लोगों को, और कानून और व्यवस्था को संभालने का काम अलग, हर थाने में अलग अलग ये इंतजाम किया जा चुका है। इसके लिए हम लोग बहुत समय पहले से ही इस पर विचार करके काम कराना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया, ताकि कहीं भी अनुसंधान का काम, कोई क्राइम हुआ है, घटना घटी है, तो उसको अनुसंधान का काम भी नियमित रूप से होना चाहिए, विलम्ब नहीं लगना चाहिए। और जहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको संभालने के लिए एक अलग विंग रहेगा। तो ये सब काम हम लोग कर दिए हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए, और सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है। और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे, हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था की हालत, और फिर जरा समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने विकास किया है, आधारभूत संरचना का निकाम का काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम अभी सामने ही देख लीजिए कैसा सुंदर बना। सब चीज़ को देखते रहिएगा, एक एक चीज़ को, सब जगह किस प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया। तो उसके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निर्माण कर दिया गया, सड़क हो या पुल पुलिया हो या भवन का निर्माण हुआ, अब उसके मेंटेनेंस का काम
हर तरह से विभागीय स्तर पर करने का। हम लोगों ने कहा इसके लिए अलग अलग विभागों में ये नीति बनाई जा रही है कि उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, अब उसके लिए ठेका करके नहीं बल्कि विभाग की जिम्मेवारी होगी, बन करके तैयार है, उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस करना, हमेशा उसका रख रखाव करना, ये उन्हीं का काम होगा। तो ये सब काम के लिए हम लोग किए जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं बिजली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहाँ था, क्या स्थिति थी पहले बिजली की, कैसी खराब स्थिति थी। राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी ठीक ढंग से, और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया, और इसके अलावे जर्जर तारों को भी बदल दिया। अब 2005 में जहां 700 मेगावाट की खपत थी बिहार में, अब बढ़ करके 6600 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गई। और इसके अलावे आप जान लीजिए बिहार पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना हम लोगों ने शुरू किया है, और अब तो देश में भी नीति बन गई, ये काम बिहार में शुरू किया प्रीपेड मीटर का, और यहां से ही ये शुरुआत कराया कि प्रीपेड मीटर लोगों को मिलना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो हर तरह से और पूरे तौर पर एग्रीकल्चर के लिए तो काम कर ही रहे हम लोग, डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी कितने बड़े पैमाने पर निर्माण सब करा दिया गया है। हर तरह से कृषि के क्षेत्र में आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है अपने बिहार में, तो उनके लिए सब काम हम लोग करते रहते हैं, चाहे फसल हो, फल हो, सब्जी हो, उसके उत्पादन में, उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है सबको मालूम है। और आप जान रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, विदेश में गया है शाही लीची, दुबई में गया, और आपका भागलपुर का जरदालू आम वही हम सबको भेजते रहते हैं, शाही लीची और जरदालू आम, आज कितना समय पहले से 2006-07 से हम भेज रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में हर जगह भेजते हैं, हर दूसरे देश के लोग हैं उनको भी भेजते हैं, अपने यहाँ के जितने मंत्री हैं सब है, सब लोगों को भेजा करते हैं। बिहार का जरा जान लीजिए कैसा सुंदर आम है और किस तरह से यहाँ पर सब चीज होता है। तो एक एक चीज जो है, तो इस बार खुशी हुई है कि शाही लीची का निर्यात हुआ, दुबई में बहुत गया, और भागलपुर का जरदालू आम लंदन में पहुंच गया। तो ये सब अब बिहार का भी ये सब चीज अब जा रहा है। और हर तरह से आप जानते ही हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अधिप्राप्ति करते हैं, पहले कहां अधिप्राप्ति होती थी, कहीं कोई अधिप्राप्ति नहीं। हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू कराया, और इस बार जो है आपको सब दिन से जो हम लोगों ने शुरू करा दिया पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से, तो अब इस बार जो हुआ, यानी आप समझ लीजिए धान की कुल जो खरीद हुई 35,59,000 मेट्रिक टन की अधिप्राप्ति हुई। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने गेहूं पर भी जोर लगाया, पहले गेहूं नाम मात्र का होता था, और इस बार उस पर जोर लगाया सब लोगों से बातचीत करते हुए इस कोरोना के दौर में भी, तो 4,56,000 मेट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति हुई। और अब इंतजाम कर दिया है कि अब अगले साल से और ज्यादा अधिप्राप्ति होगी, किसानों को इसका फायदा मिलेगा, सब लोग जो उपज करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, अधिप्राप्ति उनकी ली जाएगी, कहीं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, उद्योग के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। अब देख लीजिए एथेनॉल का उत्पादन अब होगा, आप में से कुछ लोगों को याद होगा 2007 में हम नियम बनाए, केंद्र सरकार एग्री नहीं किया उस समय, हम लोग बनवाना चाहते थे एथेनॉल, गन्ना से एथेनॉल के लिए काम करना चाह रहे थे, नहीं माने लोग, और अब केंद्र सरकार ने इसको तय कर लिया है एथेनॉल का इन सब चीजों के लिए, तो हमारे यहां तो सबसे ज्यादा गन्ना और मक्का, इससे जो एथेनॉल का होगा तो इसके उत्पादकों को कितना लाभ मिलने वाला है, और जो इसका इससे जो होगा, इसकी जो नीति बनी है इसको लागू किया है। आप जानते हैं इस बार पहली बार हम जब पॉलिसी बना रहे थे उस समय भी बहुत लोग एथेनॉल के लिए यहां प्रस्ताव दिए थे 2007 में, करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का लगाना चाहते थे, लेकिन केंद्र नहीं माना, इसलिए उद्योग का काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अब केंद्र सरकार इसको कर रही है, तो अब देखिए बिहार में आ गया है इस बार
30,000 करोड़ रुपए का निवेश कहा गया है प्रस्ताव। अब आप सोच सकते हैं तो किस तरह से हम लोग एक एक चीज के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौर में ही बाहर से हमारे लोग मजदूर लोग लौटे थे, अब उनको प्रेरित किया गया कि आप यहीं रहिए, तो अब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि चनपटिया में, बेतिया के चनपटिया में जो देखने गए थे कि हम दिसंबर में, कितना अच्छा किया वस्त्र और खेलकूद सामान का निर्माण निर्यात। तो इसके लिए अन्य जिलों में लोगों को इसे तो प्रोत्साहित किया जा रहा। तो बिहार में और भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा में जो सबसे बड़ी बात है, सबको पढ़ाने का काम सब कुछ किया और सबसे ज़्यादा जोर हमने लड़कियों पर दिया। अब स्थिति क्या हो गई है, मैट्रिक में अब लड़का लड़की बराबर हो गया करीब करीब, और कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी, अब ये स्थिति आ गई। और आप जानते हैं हम लोग तो तय कर दिए हैं, जब इसके लिए मिशन मानव विकास था और है भी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया जिसकी चर्चा हम बराबर करते हैं, कि कितना अच्छा परिणाम आया था कि अगर अब बिहार में आबादी कितनी बढ़ती है भाई, प्रजनन दर कितना ज़्यादा है, जब 2005 में हम लोग आए थे तो 4.3 कितना प्रजनन दर, तब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया वो घटा, और 13 में तो आकर के करीब 4 हो गया था प्रजनन दर। लेकिन जब उस समय ये पूरी जानकारी मिली कि अगर लड़की पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर में प्रजनन दर 2 और बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो देश का प्रजनन दर था 1.7 और बिहार में निकला 1.6, तो उसी समय यूरेका की भावना आई और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया कि हर पंचायत में +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। और उस काम को करने के लिए जो किया जा रहा है आप सब जानते हैं, 5,438 पंचायतों में हो गया, 2,948 पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, 11वां और 12वां का भी काम चालू किया जा रहा। तो इस प्रकार से ये जो लड़कियां पढ़ लेंगी अगर इंटर तक, तो ऐसे ही प्रजनन दर नीचे चला जाएगा। इस तरह से जो आबादी इतनी बढ़ती है बिहार में, प्रजनन दर ज्यादा हुआ अपने आप और नियंत्रित हो जाएगा, बिहार के हित में होगा। इसलिए हम लोग पहले से इस काम के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया 13 के बाद से, अब आकर के प्रजनन दर 3 पर पहुंच गया है। अब आप समझ लीजिए कि यही काम आगे बढ़ेगा तो कुछ सालों में निश्चित रूप से ये प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाएगा। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि सब तरह की सुविधा लोगों को हो। और आप सब जानते हैं न्याय के साथ विकास के लिए समाज के हर तबके का काम, और विशेष हर के लिए काम करते हैं, लेकिन खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, पूरी महिलाओं के बारे में चर्चा की, तो महिलाओं का, सभी महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, और जितने भी हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, सबके उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और एक बात तो आप जान ही रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग का BPSC और UPSC में अगर वो पहला परीक्षा पास कर गया और अंतिम परीक्षा में उसको जाना है तो उसकी तैयारी के लिए उसको पूरा मदद किया जाता है इन लोगों को, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के हो या लड़की हो, उनको ये सुविधा दी जाती है अगर वो BPSC का पास किए हैं पहला चरण और अगला में उनको अंतिम में जाना है तो 50,000 रुपया, और कोई UPSC का पहला पास किया और उसको दूसरे चरण अंतिम चरण में जाना, उसको 1,00,000 रुपया का मदद। तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। और इसके बाद आप जानते हैं परिवहन की योजनाओं को चला करके भी किस तरह से लोगों को हम लोगों ने मदद किया, हर जगह हर पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के 4 अति पिछड़े वर्ग के 3 लोगों को 1,00,000 रुपये तक की मदद, ताकि वो इसको खरीद करें और इसके परिवहन के काम को आगे बढ़ाएं, वाहन की खरीद करें। और अब
एम्बुलेंस की योजना के लिए भी हर एक प्रखंड में दो एम्बुलेंस का, एक अनुसूचित जाति या जनजाति को और एक अति पिछड़े वर्ग को, और इसके लिए 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। और समझ लीजिए कि इसमें 1068 का लक्ष्य है, यानी हर प्रखंड में दो, और अब 440 एम्बुलेंस का क्रय हो चुका उनका। तो एक एक काम जो करना है हम लोगों को कर ही रहे हैं, सब जगह से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 33 पुराने जर्जर छात्रावास में से 14 भवनों का जीर्णोद्धार और 19 को तोड़कर नए भवनों का निर्माण जारी, 40 नए छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो एक एक काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया, एक एक बात को याद रखना चाहिए कि हम लोगों की सरकार को जब से राज्य ने मौका दिया है सबके लिए कितना काम करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ है, उन लोगों के लिए रोजगार ऋण योजना भी देते हैं युवक युवतियों को, और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं पहले तो दिया था 10,000 रुपया परित्यक्ता सहायता, अब उसको बढ़ाकर के कर दिया 25,000 रुपया, और इसका लाभ अनेक महिलाओं ने लिया, हजारों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, उसका एक हिस्सा मदरसा बोर्ड का तो पूर्णिया में बना ही दिया हो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप जान लीजिए कि मदरसा के जो शिक्षक थे क्या मिलता था उनको, क्या तनख्वाह मिलती थी, और अब मदरसा के शिक्षकों को वही तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं, वही पैसा दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए किया, तो आप सोच लीजिए। और 2021 में 483 करोड़ रुपया उनको दिया गया, मदरसा के जो शिक्षक उस पर खर्च किया। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। और फिर सुन्नी और सिया वक्फ के जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सब का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने तय किया, जिसकी शुरुआत हो गई। और वक्फ की जमीन पर हर जिले में +2 तक की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना बनी है। दरभंगा में तो निर्माण कार्य जारी है, कई जगहों पर किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी आदि में जमीन उपलब्ध हो गया, उस पर काम योजना स्वीकृत कर दी गई। तो ये सब काम हुआ, तो हम लोग तो काम करते ही रहे। और 7 निश्चय योजना जो पिछले टाइम में हम लोगों का चला 15 से लेकर के 20 के बीच में, तो सब बहुत सारा काम पूरा हो चुका। ये सब काम कर रहे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का भी काम लगभग पूरा हो चुका। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो गया। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा। और आप सब जानते हैं उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है, युवतियों को मिल रहा है, इसको आगे भी जारी रखना। तो ये सब काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम मिला है तो हम लोगों ने मिलकर के 7 निश्चय 2 की शुरुआत कर दी है। उसके लिए क्या क्या काम हम लोग सब कर रहे हैं, अब जो कुछ भी काम पहले हम लोग देते थे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हम जो मदद कर रहे थे, 5 लाख रुपया अगर वो कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण बिना कोई टैक्स के, ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था। और अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि किसी भी वर्ग की महिलाएं होंगी, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के पुरुष हों या स्त्री हों, उनको तो सुविधा मिलती थी। बाकी जितनी बची हुई महिलाएं हैं अन्य वर्गों की, उन सब लोगों के लिए भी यही सुविधा दे दी गई, यानी 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण बिना टैक्स के। और इसके अलावे जो बाकी पुरुष बचे हैं, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे, उन सबों को 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण सिर्फ 1% टैक्स लेकर के। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, हर तरह से एक एक चीज को काम किया जा रहा है। और आप जानते हैं पहले हम लोगों ने क्या किया था,
बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगर इंटर पास करती थी महिलाएं और अविवाहित हैं तो उनको 10,000 रुपया, और कोई 12वीं ग्रेजुएट हो जाती थी तो उनको देते थे 25,000 रुपया, और अब कर दिया है कि इंटर पास करेगी महिला तो उसको देंगे 25,000 रुपया, और ग्रेजुएट हो जाएगी तो उनको देंगे 50,000 रुपया। तो ये सब काम शुरू कर दिया है हम लोगों ने, कि कौन कौन चीज़ हम आपको बताते रहे, ध्यान रखिएगा। बाकी लोग तो अपना खूब प्रचार करते रहते हैं, हम तो प्रचार उचार में दम नहीं लेते हैं भाई, काम ही करते हैं। बहुत आवश्यक चीज़ों की सूचना देनी है वही प्रचार में जाता है, हम लोग अपने हक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते रहते हैं, काम में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो एक एक चीज़ का हर तरह से, और आप जानते ही हैं बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई कि जिसके हृदय में छेद जिन बच्चे बच्चियों को होता है उसी को कहा बाल हृदय योजना। अब उसके लिए भी 7 निश्चय 2 में तय कर दिया गया उनके इलाज के लिए। तब तक 80 बच्चों का प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में इलाज कराया गया। तो ये सब काम कर रहे हैं कि जिसके हृदय में छेद है जिन बच्चे बच्चियों को, उनको भी बचाने का काम, ये सब हम लोगों के नए 7 निश्चय 2 में है। और हर तरह से जो भी हो रहा है युवाओं के रोजगार हेतु आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, गांव में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, शहरों में भी जल निकासी की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन की सुविधा, और शहरों में वृद्धाश्रम, वृद्ध लोगों के रहने के लिए आश्रम बनाना, ये इसकी शुरुआत हम लोगों का है। और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन की व्यवस्था करना, और सप्ताह गृहों में के साथ मोक्ष धाम के निर्माण की योजना। तो ये सब और बाकी सब बहुत चीज़ों को तो पास किया गया, उस पर काम शुरू कर किया जा रहा है, और इस बार के बजट में भी उसका प्रावधान कर दिया गया। तो हम लोग हर तरह से इस काम को कर रहे हैं, और इन सब काम को करने के अलावे जो पर्यावरण के लिए हम लोगों का है, तो आप सब जानते हैं ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खतरा हुआ तो 2019 में जो हम लोगों ने शुरू किया जल जीवन हरियाली मिशन, तो इसकी शुरुआत कर दी, और क्या क्या काम किया है हम जरा बता देना चाहते हैं। 11 अवयव हैं इसमें, अब उसमें 7 है जल के संरक्षण के लिए, और समझ लीजिए कि इसके लिए जो काम हो गया 16,786 जल स्रोतों तथा 3,577 कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 5 एकड़ से छोटे 6,786 तथा 5 एकड़ से बड़े 590 तालाब पोखर, 5,773 आहर, 13,686 पहीन तथा 10,594 कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया। 12,501 कुआं और 1,09,672 चापाकल के पास सोखता का भी निर्माण कराया गया। आप सोच लिए तब से शुरू किए हैं, उसके बाद कोरोना का दौर आ गया, फिर भी ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, हर तरह से इस काम को करना। तो और आप जानते हैं नए जल स्रोतों का निर्माण 14,541 नए जल स्रोत का निर्माण, और गंगा जल को जो पहुंचाना है हम लोगों को बोधगया, गया, राजगीर, नवादा, ये सब के लिए जो काम शुरू हो गया है, हम कितनी बार जाकर के उसको देख दाख रहे हैं, एक एक चीज हो रहा है ताकि वहां पर जल की कमी है, गंगा जल, ये बरसात के मौके में यहाँ का गंगा जल ले जाकर के 3 जगह स्टोर करके रखना, और 12 महीना उनको गंगा जल की आपूर्ति करना, किसी तरह के जल की उनको दिक्कत नहीं रहे, ये काम भी हम लोग कितना तेजी से कर रहे हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सरकारी भवनों पर 13,214 हो गया। तो जिसको भी देखिएगा मौसम अनुकूल कृषि के लिए जो हम लोगों ने काम किया, जो इसके लिए जो कि भाई मौसम के अनुकूल खेती करना चाहिए, इसके लिए अलग अलग हर जिले में सेंटर बना करके लोगों को प्रेरित करना कि भाई यही आप फसल लगाइए, तो उसके लिए 8 जिला से शुरू करके अब पूरा का पूरा 38 जिले में ये व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया, इसका संचालन शुरू हो गया। और फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काम जारी। तो एक एक चीज का जो भी काम किया
सौर ऊर्जा पर पूरा का पूरा जोर दिया जा रहा है, ये भी हम लोगों के जल जीवन हरियाली अभियान का अंग है। और हरियाली के लिए तो क्या ये बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुआ, ये जब जल जीवन हरियाली अभियान आया 19 में, उसके पहले हम लोगों ने 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत की। और ये देख करके बिहार झारखंड अलग हो गया था, तो बिहार में क्या था, कवर, ग्रीन कवर कितना कम था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने हरित आवरण इतना कम था, 9% तो हम लोगों ने उसी समय शुरू करवाया ये काम हरियाली मिशन में, और लक्ष्य रखा था 24 करोड़ वृक्षारोपण कराएंगे, और वो वृक्षारोपण 22 करोड़ हो गया। उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष से और ज्यादा वृक्षारोपण का काम शुरू हुआ। पिछले साल लक्ष्य क्या था, 2,51,00,000 वृक्षारोपण, और वो बढ़ करके कितना हुआ, वो बढ़ करके भी 3,95,00,000 पौधारोपण हुआ। और इस वर्ष का है 5 करोड़ का, 5 करोड़ में से 3,15,00,000 का तो वृक्षारोपण हो चुका। अब इसके आगे और काम जारी किया जा रहा है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके हम जो हरित आवरण है उसको कम से कम 17% तक पहुंचाए, क्योंकि हम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जितना दूर तक संभव है उतना दूर तक करना, उसके आगे भी सोच सकते हैं कि इसको और आगे बढ़ावे। तो एक एक काम किया जा रहा है। तो हर जगह से आप सबको मालूम है कि पूरे तौर पर, और यहीं पर तो सब हुआ ही था जो हम लोगों का काम हुआ था पिछले वर्ष जनवरी में, कितनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए थे, 5,16,00,000 लोग, तो हर तरह से इसके बात हुई। और 24 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हमको कहा गया था, और हम लोगों ने भी अपनी बात वहां पर रखी थी। तो आप समझ लीजिए, बिहार में कोई काम होता है तो बाकी जगह पर तो खबर चली जाती है, और जल जीवन हरियाली अभियान का जब आए थे 19 में नवंबर महीने में बिल गेट्स, तो जब वो सुने तो कितनी प्रशंसा उन्होंने की, अमेरिका के रहने वाले, उन्होंने कहा कि भरे बिहार में इतना काम हो रहा। और उसके बाद पिछले साल आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया कि बिहार की तरफ से जो काम किए उसके बारे में कहिए। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। तो हम तो यही कहना चाहते कि भाई आज़ादी मिली है तो सबका उत्थान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, और बिहार के उत्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और बिहार का उत्थान होगा तो देश के उत्थान में उसका सहयोग होगा। हम लोग मिल करके सब काम को, एक एक चीज को करते रहते हैं। तो यही आप सब लोगों को बताना था, और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी विभिन्न विभागों से जो बात होती रहती है हमेशा, और जो कुछ नए काम होने हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दे देना हम चाहते हैं कि जो नई है इसकी घोषणाएं करना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो सबौर यूनिवर्सिटी है वहीं पर सबौर में इस कॉलेज की स्थापना होगी। दूसरा, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसकी स्थापना होगी। और तीसरा, पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जितनी हमारी कृषि बाजार समितियां हैं उन सब का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, जहां पर अनाज, फल, सब्जी और मछली की अलग अलग बाजार व्यवस्था होगी, स्टोरेज की सुविधा अधिकारी होगा। और इस पर बिहार में 2,700 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। एक दूसरा काम ये कृषि के क्षेत्र में होगा। और फिर आप जानते हैं जो हम लोगों ने पर्यावरण की बात की, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बार बार करते रहे हैं,
तो इको टूरिज्म के विकास के लिए अब सभी कार्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना होगी की जाएगी और जिसके अंतर्गत पहाड़ी वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख रखाव किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीघ्र किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी को लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति रहेगी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके लिए विभाग के अंदर ही इसके इंतजाम का और देखभाल का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा सभी गांव में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आच्छादित किया जाएगा। अभी नहीं है, दुग्ध सहकारी समितियों से सभी गांव आच्छादित नहीं है, कम है, लिमिटेड है, इसलिए अब करेंगे सब जगह, यानी जो भी दूध का जिनके यहाँ होता है उसकी खरीद हो जाएगी। तो इस पूरा का पूरा और जितनी भी समितियां बनेगी उसके लिए दुग्ध के इसके लिए आपको लेने के लिए दुग्ध सहकारी समितियां जो बनेगी उसमें 40% समितियां महिलाओं के अधीन होगी, महिला दुग्ध समितियां। ये सभी गांव में इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करने का निर्णय ले लिया, ये होगा। और फिर जो सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी तक कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, ज्यादा जगह पर नहीं है। जो आपका सुधा डेयरी का बिकता है वो लिमिटेड जगह पर, सीमित जगह पर, शहरी क्षेत्रों में ही है। अब उसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तारीकरण करने का है और इसके लिए जितने नगर निकाय हैं और जितने प्रखंड हैं सब स्तर पर सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे ताकि उसकी बिक्री भी ज्यादा हो और लोगों को सुविधा भी मिल जाए। यानी जो उत्पादन जिनके घर पर होता है उनका बिक जाए और दूसरे लोगों को दूध लेना है उसको बढ़िया दूध मिल जाए, खरीदने की सुविधा हो जाए, ये काम किया जाएगा। और इसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिसका हमने जिक्र किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों को जो हम लोग बीपीएससी में यूपीएससी में जो मदद करते हैं अंतिम परीक्षा के लिए 50,000 रुपया और 1,00,000 रुपया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब इस योजना के तर्क इस योजना में अब सभी महिलाओं के लिए ये इंतजाम, यानी अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं को तो है सुविधा, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन अब बाकी जितनी महिलाएं हैं उन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए और 1,00,000 रुपया यूपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद आप जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया, अब सबके लिए 2.5 लाख हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था तो मैंने 1.5 लाख का था तो उसको 2.5 लाख भी हमने अति पिछड़े वर्ग के लिए किया था, अनुसूचित जाति और जनजाति को 2.5 लाख का था कि उनके परिवार की आमदनी इतना है उसी को ये सुविधा मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपए का, तो अब राज्य सरकार का फैसला है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपया तक का, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी, मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और चूंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है इसका पारिवारिक आय सीमा का और हम लोग 3 लाख का करेंगे, तो 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख तक वाले जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उसका बढ़ी पारिवारिक आय सीमा के कारण
उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, ये तय कर दिया हम लोगों ने। और इसके अलावे स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक शिक्षकों में प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए, जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें भी जो होंगे प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो होंगे प्रधानाध्यापक, इसकी नियुक्ति होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भी शिक्षा विभाग में एक बहुत इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ है, इसकी भी आज घोषणा कर देना आवश्यक था। और एक चीज और भी आखिर में, केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% में जो मिलता है, केंद्र ने जो तय कर दिया 28%, तो अब राज्य में भी अब उसको बढ़ा करके महंगाई भत्ता का दर 11% बढ़ाते हुए यानी 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया जाएगा। और इसके संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा, ताकि अब सब लोगों को सोच लीजिए फायदा हो जाएगा। सारे हमारे जितने भी लोग हैं, इम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को भी 28% का होगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से जो भी काम हो रहा है उसका भी कुछ हल्का जानकारी, और आगे भी हम लोगों का जो काम करने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ बता दिया और कुछ घोषणाओं का भी जिक्र कर दिया। अब ये सब काम कर दिया गया, अब इसलिए तो अब ज़्यादा देर आप लोगों को इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो, राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि सब